दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अब हम मौजूद हैं राजस्थान के अलवर जिले में, और अलवर जिले में भी जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेट्रोलियम है उसमें हम मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरे जिले से और जिले के बाहर से लोग अपनी सब्जी और प्याज बेचने के लिए बाहर से आते हैं, और यहाँ पर मंडी में जब गेट पर घुसते हैं तो प्याज किसान को किसी भी तरह का गेट पास नहीं दिया जाता है कि 3:30 के पास जाएगा, कितना माल लेकर जाएगा, वो अपने मन के हिसाब से जाता है गेट पास पर। जो चौकीदार हैं उनकी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो जो सामने डाला जा रहा है, इसमें गंदगी का आलम इतना ज़्यादा है कि आप यहाँ 2 मिनट नहीं रुक सकते, इतना यहाँ बदबूदार गंदगी है। और पूरे नाले की सफाई हुए करीब 1 महीना हो गया है, यानी कि प्रशासन की तरफ से मंडी में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसान भाई गाँव से आते हैं और ये सिर्फ बदबूदार गंदगी सड़न बदबू को सूंघ कर जाते हैं, यानी कि किसान को जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दोस्तों यदि गेट पर चौकीदार होते तो आपको बेसहारा और अन्य तरह के जो पशु नज़र आ रहे हैं ये कहाँ से घुस रहे हैं अगर गेट पर चौकीदार है तो। और दूसरी चीज़, प्याज किसान के लिए अगर पेट में कोई गड़बड़ हो जाए तो यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, प्याज मंडी के अंदर सुलभ शौचालय नहीं है। और जो इंदिरा रसोई योजना की तरफ से जो 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो गाड़ी भी इस मंडी परिसर में नहीं है। दोस्तों यहाँ रोज़ हज़ारों की संख्या में प्याज किसान आते हैं, लाखों रुपये का लेन देन होता है, और सुरक्षा के नाम पर यहाँ किसी भी तरह के चौकीदार नहीं है। किसान अपने दम पर यहाँ सुरक्षित रहता है, प्रशासन की तरफ से उसको किसी भी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। और किसान है जो यहाँ दिन भर अपने हिसाब से भूखा मरता है। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में जो भोजन की स्कीम है वो हमको यहाँ पूरी मंडी में देखने को नहीं मिल रही है। यदि किसी किसान का पेट खराब हो जाता है तो उसको शौचालय जाने के लिए प्याज मंडी में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन की नींद खुले, कलेक्टर साहब तक और मंडी के जो अधिकारी हैं, UIT के जो चेयरमैन हैं, सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि मंडी की साफ सफाई हो सके। इस मंडी के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा स्वच्छ भारत अभियान का, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सफाई नाम की कोई व्यवस्था मंडी के अंदर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इस मंडी में जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो किसकी है? मंडी की। तो मंडी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो अंतिम बार कब सफाई हुई थी? कल करा दी थी। हाँ, कल नहीं, हम अभी आए वीडियो बनाकर। प्याज का क्या ये चल रहा है तो इसमें हो नहीं पाती है, तो वो कहते हैं रोज, उनसे कहते हैं रोज, उनको लेटर भी देते हैं। पर जैसे सर अपनी मंडी में चौकीदारों की जो संख्या है वो कितनी है? चौकीदारों की संख्या 15 है। 15 है, ड्यूटी पर आते हैं सारे? आए हैं सर। इतने 15 चौकीदार होने के बावजूद भी मंडी में जो आवारा गाय है, बेसहारा जो पशु है कई किस्म के, वो सारे घूम रहे मंडी में। टूटे हैं, जब इधर से भगाते हैं इधर आ जाते हैं, अब क्या करें जानवरों को तो जान। नहीं, फिर 15 चौकीदारों से गाय नहीं भगती? भगती ना, दोनों मंडियों में लगे हैं। उधर सर वो जो पानी की प्याऊ है उसके पीछे काफी सड़ा हुआ कचरा है, और वहीं पे कैंटीन भी है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ बदबू में लोग कैसे नाश्ता करेंगे? कराते हैं सफाई पर तो दूसरे दिन रोज नहीं सर, वो इतना कचरा है कि करीब 1 महीने से उसकी सफाई नहीं हुई है। उसमें सड़न और बदबू, सड़ा हुआ कचरा तो सर 1 महीने से पहले सड़ेगा नहीं ना। सफाई के लिए कहते हैं रोज, क्या सफाई। सर हमने काफी किसानों से बात की है कि मंडी गेट पर गेट पास नहीं दिए जाते, तो इसका क्या कारण है कि गेट पास क्यों नहीं दिए जाते? मेरे पास में 20 किसानों के बयान है, मैं वीडियो बनाकर आया हूँ, उन्होंने कहा है कि गेट पर कोई गेट पास नहीं देता है। किसान डेढ़ दिन से ट्रक रोकता है नहीं, पुकारते जाते नहीं। फिर आपके 15 चौकीदार कहाँ रहते हैं जब ट्रैक्टर घुसता है तो? गेटों पे रहते हैं। फिर चौकीदारों को रोक कर गेट पास कटवाने चाहिए ना, ये कैसे आंकड़ा मिलेगा हमें कि आज कितनी प्याज बिकी है, कितने कट्टे की आवक आई है? कटवाने चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मंडी की है। आपका क्या नाम है सर? लाला राम जी। किस पद पर हो आप? प्रभारी है जी। प्रभारी हो आप, ठीक है सर, थैंक यू। प्रधान जी हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आज पूरी मंडी में घूम कर ये देखा है कि मंडी में पिछले करीब 15 से 30 दिन से सफाई नहीं हो रही है, नाले हैं जो अवरुद्ध हुए पड़े हैं, और बदबू इतनी ज्यादा आती है कि असहनीय बदबू आती है।
तो प्रधान जी, आप भी मंडी के संरक्षक होने के नाते और मंडी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तो इसमें सर किसकी जिम्मेदारी है? असल में क्या है, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हो। पहली बात तो जेपी न्यूज भाई चैनल को और जो हमारे यहाँ मंडी में दूसरे चैनल आते हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो लोग हमारी बात को आम लोगों तक, अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इन दिनों में प्याज का सीजन होता है, दिसंबर में हमारा लगभग एंड की ओर जाते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए ज्यादा हम बहुत चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते और मंडी में आवक भी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए साफ सफाई की व्यवस्था पर भी साधन लगना, आठना करना, ये सब चीजें बड़ी परेशानी का विषय रहता है। आपने जो बात कही वो बात हमारे भी ध्यान में है और हमारी नजर में भी चल रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब से परसों बात हुई है, हमारे क्या मंडी जब से बनी है तब से नाले साफ नहीं हुए हैं, जो नाले पटे हुए हैं, जो नाले जो हैं वो बिल्कुल भरे हुए हैं। उसके लिए हमारी ये चाय हुई है कि अतिरिक्त फंड से हम इस नालों को सबों को दोबारा से ओपन के पटा उतरवाएंगे और इसको पूरी को सफाई करवाएंगे, और सफाई कराने के बाद ये व्यवस्था व्यवस्थित चलेगी। इन परिस्थितियों में वर्तमान में जो हमारी मंडी है वो साफ सुथरा होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सर, हम जो समिति में सरकार के मुलाजिम है उनसे भी मिले हैं, हमने उनसे पूछा कि गेट पास किसानों को अगली बार नहीं दिया जाता है और चौकीदारों की संख्या कितनी है। उन्होंने बताया कि चौकीदारों की संख्या 19 है, 19 चौकीदार होने के बावजूद भी किसानों को गेट पास नहीं मिल रहा है और मंडी परिसर के अंदर जो आवारा पशु है वो विचरण कर रहे हैं। असल में क्या है, गेट पास तो हम लोगों ने इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं, अभी किसान मंडी के अंदर घुसता है तब वो नया किसान आता है, उसे पता नहीं होता है राम उतार कौन है, पप्पू भाई प्रधान कौन है, सुरेश कौन है, तिलक राज कौन है, वो सब लोगों को पता नहीं लग पाता है। उस पता नहीं लगने की वजह से पहले वो अपना माल को किसी के भी उतार ले और बेचने के बाद ऑक्शन रजिस्टर होता है आजकल, उसमें इंदिराज होता है, मंडी का कर्मचारी प्रत्येक आड़ती के साथ ऑक्शन पे रजिस्टर लेके साथ रहता है, वो लिखता है घनश्याम का माल कितने रुपए में किस आदमी को बिका है, तो वो उसके बाद उसको गेट पास ही माना जाता है। ऑक्शन रजिस्टर में जो दर्ज हो जाता है वो प्रमाणित कॉपी है सरकार की, उससे पहले अगर गेट पास जारी करते हैं पप्पू प्रधान के नाम से कटवा ले, रामतार के नाम से कटवा ले, देवेंद्र छाबड़ा के नाम से कटवा ले, पंकज सैनी के नाम से कटवा ले और उसका मन नहीं भरे या उसका मन नहीं करे या उसके बाद जगह नहीं हो तो फिर उसको गेट पास बदलवाना पड़ता है, इसलिए पहले वो माल उतार ले, जब माल बिकता है तो ऑक्शन दर्ज हो जाता है उसका। जी, रोज जिले से और जिले के बाहर से हजारों की संख्या में किसान आते हैं, प्याज बेचकर जाते हैं, सुरक्षा के नाम पर यहाँ किसानों के साथ में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो सुरक्षा के नाम पर सरकार ने यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? मंडी समिति हमें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराती है और वो गार्ड हमको वो 8-8 घंटे के हिसाब से देती है, कई बार कमती बत्ती रह जाते होंगे लेकिन इस बार क्या सीजन बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाओं में लगाने पड़ते हैं गार्ड, इस सीजन में ऐसी व्यवस्था है नहीं, बाकी सो काम ठीक है और मंडी में आप भी जानते हो थोड़ा बहुत 19-20 तो सभी जगह चलता है। प्रधान जी, आपको नहीं लगता कि अपनी जो प्याज मंडी है इसमें जो इंदिरा रसोई है उसकी आवश्यकता? हाँ, ये बात बहुत बेहतरीन, इंदिरा रसोई की बहुत बेहतरीन आवश्यकता है और अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी आए थे यहाँ कांतिलाल मीणा जी, उनसे भी हमारी चर्चा हुई, कलेक्टर साहब से बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो मंत्री जी से बात करने की हमको आश्वासन देके गए और हमको कह के गए कि इंदिरा रसोई चालू कराने का संपूर्ण प्रयास करूंगा और उन्होंने और भी एक दो चीजों के ऊपर हमारा मदद करने की मंशा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्रांति का भैया, क्या नाम आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, कौन सुरजीत जी, कौन से गांव से आए हो? नंगली मेगा से आया हूँ मैं। नंगली मेगा, तहसील कौन सी है? रामगढ़। प्याज लेकर आए हो? हाँ जी। कितने कट्टे? मैं लेके आया हूँ 9 कट्टे। 9 कट्टे प्याज लेकर आए हो, आप खुद लेकर आए थे मंडी में? हाँ, मैं खुद लेकर आया था। तो आपने जब मंडी में एंट्री मारी थी तो आपको गेट पास मिला था क्या? नहीं मिला था। आपको गेट पास नहीं दिया मंडी में? नहीं। बस अब आप भी प्याज लेकर आए हो? हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? कोटपुतली। अच्छा, कोटपुतली से प्याज लेकर आए हो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, तो आप मंडी में जब एंट्री मारी थी तो आपको गेट पास मिला था क्या? जी कोई नहीं था यहाँ। कोई नहीं था। आप भी प्याज लेके आए हो? हाँ। क्या नाम आपका? रामकरण। रामकरण जी, कौन से गांव से आए हो? लोधनाथ सर। है जी? लोधनाथ सर, डूंगराम से सर। कौन सी तहसील में पड़ता है? बानसूर से आए हो। तो आप जब प्याज लेके आए थे गेट पर, जब प्याज की गाड़ी लेके घुसे थे तो आपको गेट पास दिया था क्या? प्याज का गेट पास नहीं मिला आपको? भैया, आप भी प्याज लेके आए हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जयकम। जयकम जी, कौन से गांव से आए हो? अलगाणी। अलगाणी कौन सी तहसील में है? गोविंदगढ़। जो गोविंदगढ़ से प्याज लेके आए हो, तो कितने कट्टे लेके आए हो? 20। तो जयकम जी, आप जब मंडी में एंट्री मारे थे, एंट्री घुसे थे, तो आपको यहाँ प्रशासन की तरफ से गेट पास मिला था क्या? नहीं। कि आप इतने कट्टे किस आड़ते के पास ले जाओगे? नहीं मिला। क्या नाम है जी आपका? मामूराव जी। मामूरा जी, कौन से गांव से आए हो? डोली से। डोली गांव? डोली, रामगढ़ के पास। रामगढ़ में से आए हो, तो प्याज लेके आए हो, आप कितने कट्टे लाए हो? हम तेल 14 कट्टा तो मेरा है, 50 एक है। तो आप जब मंडी में एंट्री मारे थे
तो आपको प्रशासन के द्वारा गेट पास मिला था क्या? नहीं मिला। नहीं मिला। आप भी बाबा प्याज लेके आए हो? हाँ। आप भी डोली से ही हो? हाँ जी। तो आपको गेट पास नहीं मिला? नहीं। क्या नाम आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी है, ठीक है। भैया क्या नाम आपका? हारिस। हारिस कौन से गाँव से आए हो? ठेकड़ा से। ठेकड़ा कौन सी तहसील में है? अलवर तहसील में। अलवर में है। कितने कट्टे प्याज लेके आए हो? 20 कट्टा। आरिफ जब आप मंडी में घुसे थे तो आपको गेट पास मिला था क्या? मैं प्याज रेंडियर मैं खुद ना आया और आया। तो आप भी प्याज लेके आए हो? आपका क्या नाम है? हकम। हकम जी कौन से गांव से आए हो? कारली से। कितने कट्टे लाए हो? 10। तो आपको भी गेट पास नहीं मिला? गेट पास नहीं मिला। अच्छा ठीक है। भैया क्या नाम आपका? राहुल। राहुल कौन से गाँव से आए हो? ठेकड़ा। ठेकड़ा कौन सी तहसील में है? जलोर में। जलोर में ही है। कितने कट्टे प्याज लाए हो राहुल जी? आपको गेट पर गेट पास मिला था क्या? नहीं मिला। ठीक है। भैया क्या नाम आपका? नाम महेश। महेश थोड़ा जोर से बोलो ना। महेश। महेश जी कौन से गांव से आए हो? तहसील लक्ष्मणगढ़। हाँ जी। कितने कट्टे प्याज लाए हो? 34। तो मई जी जब आप मंडी में एंट्री लिए थे घुसे थे तो आपको गेट पास मिला था क्या? नहीं किसी में नहीं। कि कितने कट्टे प्याज हैं कि साढ़े त्या के पास जाओगे? नहीं मिला। ठीक। भैया प्याज लेके आए हो? हाँ जी। प्याज लेके आए हो? कितने कट्टे? 13 कट्टे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश। मुकेश जी जब आप मंडी में घुसे थे तो आपको गेट पास मिला था क्या? गेट पास आप नहीं लिए। मैं नहीं आपको दिया था क्या इतने कट्टे लाए हो और इस साढ़े त्या के पास ले जाओगे? नहीं मिला। तो आप भैया क्या नाम आपका? सर तौफिक। तौफिक। तौफिक प्याज लेके आए हो? जी सर। कितने कट्टे लाए हो? सर 16 कट्टा। तो तौफिक जी गांव कौन सा? सर गांव सिरमौली। तो आप जब मंडी में घुसे थे तो आपको मंडी के द्वारा गेट पास मिला था क्या? सर मुबिन मिलो गेट पास नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। अब जी क्या नाम है आपका? इसराइल। इसराइल जी कहाँ से आए हो? लोधपुरी। लोधपुरी कौन सी तहसील में पड़ती है? रामगढ़। रामगढ़ से आए हो? तो प्याज लेके आए हो? कितने कट्टे लेके आए हो? 30 कट्टे। क्या भाव बिके आपकी प्याज? 600। तो ताऊ जी आप जब मंडी में घुसे थे प्याज लेकर तो आपको गेट पास मिला था क्या? कि आप इतने कट्टे प्याज मंडी में लाए हो आपको कोई उन्होंने पर्ची दी थी क्या? नहीं थी। आप भी प्याज लेके आए हो? तो आपको गेट पास मिला गेट पर? नहीं मिला। आपका क्या नाम है? वकील राज। क्या? वकील राजपूत। वकील राजपूत। हाँ। कौन से गांव से आए हो? सुहेटा से। सुहेटा खरेटा जो मुंडावर तहसील में। मुंडावर तहसील। तो प्याज लेकर आए थे आप? खुद लेकर आए थे? हाँ खुद लेकर आए। तो गेट पे आपको भी गेट पास नहीं मिला? गेट पास नहीं मिला मेरे। ये देखिए दोस्तों नाले के हाल। इतना सड़ा हुआ इसमें कचरा है कि आप यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। और आपको इस कचरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी सफाई हुए कितने दिन हो गए। ये हाल है अलवर की सब्जी मंडी जहाँ पर पूरे ज़िले की और ज़िले के बाहर से दूर दराज से किसान फसल को बेचने के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों जग्गू भाई के सामने एक कचरे का ढेर। हम नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रशासन ये कहे कि कचरे का ढेर मंडी का नहीं कहीं और जगह का है। शिव शक्ति फ्रूट कंपनी अर्बन्स वगैरह रोशन कंपनी के सामने नाला जो अवरुद्ध है। सर इसका अंतिम बार जो सफाई है वो कब हुआ था बता सकते हो क्या? मेरे हिसाब से 6-7 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल में सफाई की। ये नाले को देखकर तो ऐसा लगता है कि एक महीने से इसकी सफाई नहीं हो रही है। ये बंद पड़ा है आगे से खोलते नहीं है। सफाई करने वाले ऊपर से कर जाते हैं। तो सर इसकी जिम्मेदारी मंडी समिति की है या सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं उनकी है? वो जो मंडी का ठेका दे रखा है उनकी जिम्मेदारी है। तो सरकार की है ना UIT की है ठेका दे रखा है उनकी जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों ये नाला है और जहाँ से मंडी जहाँ पर सुबह सब्जी बेची जाती है जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पूरा कचरे से अवरुद्ध हुआ पड़ा है। और इस गंदगी को देखकर आप बताओ कि ये आजकल में सफाई हुई गंदगी है
या पिछले एक माह से इसकी सफाई नहीं हो रही है। कितनी बदबूदार यहाँ पर स्थिति है और यहाँ पर गांव के जो किसान हैं वह आकर अपनी सब्जी और अन्य जींस बेचते हैं। तो आपको ये गंदगी देखकर कैसा लग रहा है कि आजकल में सफाई हुई है? इसको 15-20 दिन हो गए। महीनेभर हो गया है। वो इस असहनीय दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और प्रशासन अपनी आंखों पर जो पट्टी है उसको बांध कर बैठा है। इधर खाने का काम हो रहा है, इधर सरकार की जो है प्याऊ है कुछ लिख भी रखा है। कृषक भाइयों को सूचित किया जाता है कि नियमानुसार आढ़तियों द्वारा आपके माल के विक्रय की रकम का कटौती पूरा सही पता नहीं क्या लिख रहा है और इसी के नीचे ही है गंदगी का ढेर है। कब से सफाई नहीं हो रही भैया? काफी टाइम हो गया, गंदगी साफ ही नहीं करते हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए? हो गए इसको 2-3 महीने। गंदगी थोड़ी बहुत करते हैं, जाम पूरा गंदगी नाले रोके हुए हैं। तो भोजन का काम आप भी करते हो? हाँ जी। तो यहाँ तो जो ग्राहक हैं जो आपके बहुत परेशानी होती है, हम भी कर रहे हैं काम। इधर भोजन है, इधर बदबू है, तो ये तो बीमारियों को भी नोता मिल रहा है। साइड में करके हम सफाई खुद करते हैं, झाड़ू से करके जो गंदगी वापिस से रखवाते हैं। अच्छा, आप अपने स्तर से सफाई करते हो? प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से कोई सफाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अग्रवाल। अच्छा सुनील जी, प्रशासन इसकी सफाई नहीं करता? नहीं करता है प्रशासन। ठीक है। ये कैंटीन के बिल्कुल सामने ये नाला है और नाला बिल्कुल बदबूदार है और इस नाले के बिल्कुल सामने ये भाई जो खाने का सामान बेचते हैं उसके ठीक पीछे ये पानी की प्याऊ है। इसमें इतनी दुर्गंध और सड़न है कि यहाँ रुकना भी दूभर हुआ पड़ा, उसके बावजूद भी लोग अपना यहाँ कर पेट भरते हैं। दोस्तों, आपसे विशेष निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा फेसबुक के ग्रुपों पर, व्हाट्सएप के ग्रुपों पर शेयर करें ताकि प्रशासन की नींद खुल सके और हमारे किसान भाइयों को आने वाले दिनों में इस ऐसे ने गंदगी का सामना न करना पड़ सके। धन्यवाद दोस्तों।